The question is, a number is increased by 10% and then it is decreased by 10%. Then find the net increase or decrease percent. अब एक नंबर है उसे पहले 10% इंक्रीज किया गया, देन इंक्रीज करने के बाद जो न्यू नंबर है उसे अगेन 10% डिक्रीज कर दिया गया। तो अब ये पूछ रहा है कि उसमें नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्या हुआ है उस ओरिजिनल नंबर में। अब ऐसे तो देखने में लग रहा है कि किसी नंबर को 10% बढ़ाओ फिर कम करो तो सेम ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो नंबर है उसे हम 100 सपोज कर लेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज है परसेंटेज के जो भी सम है अगर हम उसे 100 से सपोज करके करें तो इजी रहता है, बिकॉज हमारे पास जो ओवरऑल परसेंटेज होती है वो टोटल 100 होती है, तो उससे हमें सम्स करने में सॉल्व करने में इजी रहता है। तो इस सम को हम 100 से ही करते हैं कि जो नंबर है हम सपोज कर लेते हैं 100। लेट द नंबर बी 100। तो अब पहले क्या हुआ, पहले इसमें इंक्रीज किया गया, सो इंक्रीज इन नंबर कितना इंक्रीज हुआ 10%, 10% ऑफ 100, तो ये 10 आ जाएगा। तो इंक्रीज करने के बाद हमारे पास नंबर कितना हो जाएगा, इंक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे, सो इंक्रीज नंबर पहले 100 था उसमें 10 और इंक्रीज हो गया, तो अब जो न्यू नंबर है वो हमारे पास कितना आ गया 110 आया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इस 110 को अब डिक्रीज किया गया है 10% से, इसी 100 को नहीं किया, क्योंकि इंक्रीज करने के बाद तो न्यू नंबर 110 बन चुका है ना, अब डिक्रीज तो हमें इसी में करना है, तो अब यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे 10%। सो डिक्रीज इन नंबर ये भी 10% है, सो 10% ऑफ 110 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11। तो डिक्रीज कितना हुआ हमारे पास, ये 11 हुआ। सो जो न्यू नंबर बन के आएगा हमारे पास, अब देखो 110 में से हमें 11 माइनस करना होगा क्योंकि इसी नंबर को डिक्रीज किया गया है बाय 11, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 11, तो 110 से जब आप 11 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 99। तो अब देखो स्टार्टिंग में नंबर था 100, इंक्रीज करके डिक्रीज करके वो नंबर बचा हमारे पास 99, तो ओरिजिनल से ही हमारे पास एक कम हो चुका है, मीन्स इसमें डिक्रीज हुआ है। दस नेट डिक्रीज, सो कितना डिक्रीज हुआ ये 100 माइनस 99 दैट इज 1। और अगर परसेंटेज निकालनी है, ये परसेंटेज के लिए बोला इसने, हेंस नेट परसेंटेज डिक्रीज, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जितना डिक्रीज हुआ है वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना था हमारा स्टार्टिंग में जो गिवन नंबर था वो था 100, और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए, तो ये हमारे पास 1% ही आ जाएगा, तो एक्चुअल में उसे उसमें 1% डिक्रीज हुआ है। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।